आज की ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे श्री कोट का पार्क और ये है यहाँ का ओपन जिम। तो ये एसटीपी प्लांट है, ये है श्री कोट का पार्क। तो अभी हम आ रखे हैं श्री कोट का स्टेडियम। तो जिस दिन हम पहले दिन आए थे तो सफाई नहीं थी और आज बहुत अच्छी सफाई हो रखी है और अच्छा लग रहा है पार्क। आप सभी को हमारा प्रणाम। आज की व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे श्री कोट का पार्क। तो ये पार्क की एंट्री है, तो यहाँ से हमें इस तरफ जाना है। तो ये पार्क काफ़ी अच्छा बना हुआ है पर आजकल तो मेंटेन नहीं है और गंदा भी हो रखा है काफ़ी। तो पार्क दिखाएंगे हम आपको कैसा है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है। अच्छा, ये इंटर कॉलेज है, ट्वेल्थ तक ये स्कूल है सरस्वती विद्या मंदिर। तो इसी के बगल में यहाँ पे एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट है, एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट है और यहाँ पे है पार्क। तो अब हम पार्क के अंदर जाएंगे। ये है पार्क, ये है श्री कोट का पार्क, यहाँ सब घूमने आते हैं। कहाँ पकड़ा था उस बाग, वो जो गुलदार था उसके अंदर, इस वाले टॉयलेट में। अच्छा, इस वाले टॉयलेट के अंदर पकड़ा था गुलदार को, ये वाला। यहाँ पे ओपन जिम है। तो अब हम हैं श्री कोट के पार्क में और ये है यहाँ का ओपन जिम। तो लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज, शाम को भी बहुत लोग आते हैं। नदी है। तो ये एसटीपी प्लांट है, यहाँ पे जितना भी गंदा पानी है वो आता है और उसका ट्रीटमेंट होता है पहले और फिर उसे नीचे नदी में छोड़ा जाता है। तो नीचे अलकनंदा रिवर है, तो यहाँ पे लगे हुए हैं क्लैरिफाइंग टैंक लगे हुए हैं। तो अभी यहाँ फिल्टरेशन हो रहा है पानी, अच्छा कर रखा है ये। मैं अलग अलग टैंक बने हुए हैं, प्राइमरी क्लैरिफायर टैंक है, सेकेंडरी टैंक है। तो एक इधर से स्टार्ट होता है इसमें, फिर एक टैंक में पानी जाता है, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। ऐसे जब पानी पूरी तरह से उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिल जाता है उसके बाद वो नदी में कर देते हैं, उसको बहा देते हैं। तो पहले ट्रीटमेंट होता है। तो ये श्री कोट का है लगा हुआ। यहाँ पे ये एक पत्थर भी है। तो अभी तो कोई नहीं दिख रहा, कम लोग दिख रहे हैं, शाम को ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ से सनराइज होता है। हाँ, तो ये है स्कूल का ग्राउंड। हाँ, काफी बड़ा है ग्राउंड, नदी के एकदम पास है ना ये। तो ये है, अब हम जा रहे हैं घर।
तो आज तो लोग कम थे यहाँ आ रखे। और वो है सामने स्कूल। तो आज है डे टू और हम आ रखे हैं यहाँ जो श्रीकोट का पार्क है। तो पीछे आपको पार्क दिख रहा होगा। तो जिस दिन हम पहले दिन आए थे तो सफाई नहीं थी और आज बहुत अच्छी सफाई हो रखी है और अच्छा लग रहा है पार्क। ये है पार्क, ये है श्रीकोट का पार्क। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। अब बहुत साफ हो गया है। ये पार्क है, अभी इसकी सफाई हो गई है। जब मैं पहले दिन आई थी वीडियो बनाती थी उस दिन सफाई नहीं हो रखी थी और आज एकदम अच्छे से साफ कर दिया है। तो यहाँ पे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सुबह आते हैं, योगा करते हैं। अभी तो पार्क की काफ़ी सफाई हो गई है। तो यहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े स्टोन्स हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं। और यहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी है स्लाइड्स। और यहाँ पे बीच में फाउंटेन चलता है। अब काफ़ी साफ हो गया है। तो यहाँ पे बीच में एक फाउंटेन है और ये सफाई हो रखी है अच्छी खासी, है ना? हाँ, अब चमका दिया है, अच्छा लग रहा है। तो ये है फाउंटेन। तो अब हम जा रहे हैं स्टेडियम, वो दिखाएंगे। अभी आज के व्लॉग में बस इतना ही। दूसरा फाउंटेन है, ये भी अब एकदम क्लीन कर दिया है, अच्छा लग रहा है। और वो है एसटीपी। तो अभी हम आ रखे हैं श्रीकोट का स्टेडियम। तो ये है सीडीएस विपिन रावत खेल स्टेडियम है और यहाँ पे कल दिखाएंगे हम आपको। आज तो पार्क दिखा रहे हैं हम श्रीकोट का। तो काफ़ी अच्छा स्टेडियम बना रखा है यहाँ पे। ये है श्रीकोट का स्टेडियम, यहाँ अब हम कल आएंगे तो कल के ब्लॉग में दिखाएंगे आपको श्रीकोट का स्टेडियम।